हेलो बच्चों, आज हम बात करें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एटम के बारे में बात किए थे, एटॉमिक मास के बारे में बात किए थे, मोलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको बता दिए थे। आज हम बात करें मोल के बारे में। तो आज आपको पढ़ना क्या क्या है, मोल क्या होते हैं और आप मोल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मोल की कैलकुलेशन के तीन फार्मूले होते हैं, उन तीनों फार्मूले से आप किसी कंपाउंड का मोल निकाल सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है मोल के बारे में है, तो प्रॉपर तरीके से इस लेक्चर को पढ़िएगा और इसके बाद जो भी डाउट होगा आप एटम से पूछिएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मोल होता क्या है। तो मोल हमारा क्या होता है, किसी चीज़ को मेजर करने की क्वांटिटी होती है। यानी क्या होता है, मोल जो होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने की एक क्वांटिटी होती है। जैसे अगर आपसे नॉर्मल अगर आपसे कहा जाए कि आप जाइए बेटा मार्केट से आप एक दर्जन केला लेके आइए, तो आप क्या करेंगे, केला आपको लाना है तो केला कभी भी आप केजी में नहीं लाएंगे या लीटर में केला कभी नहीं लाएंगे। आप केले को दर्जन, मतलब कि एक दर्जन कितने केले होते हैं, 12। एक दर्जन कितने केले होते हैं, 12। 12 तो एक मोल इक्वल कितने केले होंगे, 12 केले। एक मोल इक्वल कितने केले होंगे, 12 केले। बात समझ आ रही है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आप जाइए माँ बेटा मार्केट से आप 1 किलो संतरा लेके आइए, 1 केजी संतरा लेके आइए, क्या आप 12 संतरा ले जाएंगे, नहीं। तो वहाँ पे हमारा जो संतरे की जो आप क्वांटिटी है किसमें होगा, केजी में होगा। बात में तो 1 केजी में कितने संतरे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, मोल। तो मोल एक हमारा क्या होता है, यूनिट होता है, एक मेजर क्वांटिटी होती है। हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ग्राम में भी करते हैं, दर्जन भी करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या होता है, किसी भी एटम, आयंस या मालिक्यूल, यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया है, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया है, क्या लिया है, कार्बन 12 लिया गया है। उस समय कार्बन 12 की बात करें तो उसमें उसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी, उस समय उसकी कोई आइसोटोप नहीं थी, ना ज़्यादा रिएक्टिव थे ना कम रिएक्टिव थे, न बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे न बहुत कम थे, बीच में थे, ये सारे कंडीशन थे। इसीलिए वहाँ पे क्या लिया गया था, कार्बन 12 लिया गया। फिर वहाँ पे आपको बताया गया था कि एक एटम कार्बन का जो मास आता था कितना था, 1.99 × 10²। तो 12 ग्राम एटम में 12 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है वही हमारा कहलाता है मोल कहलाता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डैट हैज मेनी स्पीसीज, जो हमारा एटम भी हो सकता है, मालिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईटीसी। मीन्स हमारा एटम भी हो सकता है, मालिक्यूल भी हो सकता है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एज एटम, एटम की बात करें, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम प्रेजेंट हैं, 12 या 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट हैं, वही हमारा कहलाता है मोल कहलाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक दर्जन केले में कितने केले प्रेजेंट होंगे, 12, तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मोल। इसी तरह कि 12 ग्राम कार्बन 12 में, 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम प्रेजेंट हैं वही हमारा कहलाएगा मोल। बात समझ में आ रही बेटा। जैसे आपसे कहा जाए एक दर्जन केले में कितने होंगे, 12 केले होंगे, तो मोल कितना, एक मोल बराबर कितने केले हो गए, 12 केले। बात, इसी तरह 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम प्रेजेंट हैं वही हमारा कहलाता है बेटा मोल कहलाता है। बात समझ में आ रही। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 का एक एटम का मास कितना होता है। एक्सपेरिमेंटल मैंने बताया था मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 कितना बताया था, 1.9924 × 10²³ होता है। मीन्स एक एटम की बात करें तो एक एटम कार्बन का जो मास होता है बेटा इतना होता है, या आप कह सकते हैं कि इतने ग्राम ऑफ कार्बन एटम में 1.9924 × 10²³ ऑफ कार्बन में इतने ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल क्या होता है, 1 एटम होता है। 1 ग्राम कार्बन कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 1/1.924 × 10²³ एटम। कितने एटम प्रेजेंट होंगे बेटा, 1/1 इतना एटम प्रेजेंट होंगे। तो 12 ग्राम कार्बन एटम में, 12 ग्राम
ऑफ कार्बन एटम में कितने प्रेजेंट होंगे, 1/1.9924 × 10^-23 मल्टीप्लाई 12। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 6.023 × 10^23 एटम। बात समझ में आ रही, तो इतने ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है, इतना। तो एक मोल इक्वल कितना आया, वन मोल इक्वल कितना आया, वन मोल इक्वल आपका आया 6.023 × 10^23 एटम, या इसी क्या बोल दो एगाद्रो नंबर। अगर आज पूछा एगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.023 × 10^23 एटम। जैसे अगर आपसे कहा एक दर्जन केले, एक दर्जन कितने केले प्रेजेंट होंगे, 12। इसलिए एक मोल में कितने एटम प्रेजेंट है, 6.023 × 10^23 एटम, और इसे क्या बोलते हैं, एगाद्रो नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करें बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोल। अब मोल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको थ्री टाइप की तरफ कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से नोट, एक एक करके हम बात करते हैं, अच्छे समझते जाएगा, जहां पे भी डाउट होगा बेटा आप पूछिएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल, हेडिंग डाले कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो कितने टाइप से कैलकुलेट करते हैं, थ्री टाइप के। पहला क्या है, इफ मास इज गिवन, पहला हेडिंग डालिए इफ मास इज गिवन। ध्यान सुनिएगा, हम बात करें बेटा मोल का कैलकुलेशन। मोल की कैलकुलेशन हम तीन टाइप करें। पहला कंडीशन के मास दिया रहेगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको क्वांटिटी दिया गया है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम दिया गया हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो एक एक करके हम अच्छे से बात कर रहे हैं, एक आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी लैंग्वेज बेटा समझा रहे हैं। आप बस प्रॉपर तरीके से लेक्चर को पढ़िए, आप देखेंगे बड़े आसानी से प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं मोल का कैलकुलेशन तीन मेथड्स किया जाता है। पहला क्या होगा, मास दिया गया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम दिया गया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्वांटिटी दी गई तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं इफ मास इज गिवन। तो इफ मास इज गिवन दिया तो उस केस में हम आप मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल इक्वल क्या होता है, मास अपान मोलर मास, एन बराबर क्या बोलेंगे, डब्ल्यू बाई एम। मास क्या बोलते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर मास। तो पहला हेडिंग है इफ मास इज गिवन, तो मोल बराबर एन बराबर क्या, मास अपान मोलर मास, या एन बराबर डब्ल्यू अपान एम। एन मतलब क्या होगा, वेट, मास क्या बोल सकते बेटा, वेट भी बोल सकते हैं, वेट अपान मोलर मास या वेट अपान मॉलिक्यूलर मास होता है। ध्यान सुनिए बेटा मोलर मास, ध्यान सुनिए। अब इसको बेटा नोट करिए, हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए एक एक करके समझिएगा। पहला है नोट करिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन। पहला है 12 ग्राम ऑफ H2। 12 ग्राम H2 का में कितने मोल होंगे, ध्यान सुनिएगा n बराबर क्या होता है, W अपान m। n मतलब क्या होगा, वेट, और m मतलब क्या होगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो 12 ग्राम ऑफ H2, ध्यान से नोट है, 12 ग्राम ऑफ H2 को आपको निकालना है कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो मास दिया गया है, वेट, या इसे क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, लिखा गया 12 ग्राम ऑफ H2। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इफ गिवेन 12 ग्राम ऑफ H2, मतलब 12 ग्राम ऑफ H2 दिया गया है, 12 ग्राम ऑफ H2 दिया गया है, तो कितना मोल होगा। तो
आपका मास दिया गया है मीन्स वेट दिया गया है, तो फार्मूला एम इक्वल वेट अपॉन मालिकुलर मास, तो वेट कितना दिया गया है 12। और H2 का मोल मालिकुलर मास कितना होगा बताइए बेटा, H2 का मालिकुलर मास कितना होगा 1 × 2 कितना आएगा 2, अपॉन क्या लिखेंगे 2, इक्वल कितना आएगा 6, तो कितने मोल प्रेजेंट है 6 मोल प्रेजेंट है। पास में हमारे बेटा आगे नोट करिए, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, सिंपल सिंपल समझिएगा, लिखा गया है, अगला नोट करिए, 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ध्यान से सुनना बेटा एक एक न्यूमेरिकल को, यहां पे आपको पूछा गया फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल, आपको मोल बताना है इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो एन बराबर क्या होता है वेट अपॉन मालिकुलर वेट या मोलर मास या मालिकुलर मास, बेटा वेट अपॉन मालिकुलर मास या वेट अपॉन मोलर मास या मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पर लिखा है 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो वेट कितना दिया गया 80 ग्राम। अब देखिए मोलर मास कैसे निकालते हैं, मालिकुलर मास कैसे निकालते हैं, तो बेटा मैंने बताया था ग्लूकोज ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है C6H12O6। बेटा आपको मालिकुलर मास निकालना सिखा चुके हैं, कार्बन का कितना होगा 12 × 6, एक एटम का मास कितना होता है 12, कार्बन में कितना होता है बेटा 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 12 × 6 हाइड्रोजन का 1 × 12 ऑक्सीजन का 16 × 6 टोटल आप कैलकुलेट करें कितना आएगा 180 आएगा। बेटा कितना आएगा इसका मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना आएगा 180 आएगा, यहाँ सुनिएगा, तो वेट कितना दिया गया है 18 अपान मालिकुलर वेट या मोलर मास कितना होगा 180, आप डिवाइड करें कितना है 0.1 मोल। बेटा समझ में आ रहा होगा क्या, आप लिखा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तो कितने मोल प्रेजेंट होंगे वेट अपान मालिकुलर वेट या मोलर मास, मास में आ रही। अगला नोट करिए, जैसे आपसे कह दिया जाए बेटा ध्यान सुनिएगा, थर्ड न्यूमेरिकल 120 ग्राम ऑफ यूरिया। बेटा एक ही समझिएगा, अगर हम बात करें जो वेट लेंगे वो हम हमेशा ग्राम में होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, और जो मोलर मास होता है, मैंने कहा मोलर मास क्या होता है ग्राम पर मोल होता है, याद बताइए, याद में बताया मोलर मालिकुलर मास क्या होता है ग्राम पर मोल, तो आपका पेपर में हमेशा वेट किस में होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए, अगर आप किलोग्राम में दिया गया तो किस में चेंज करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे, और मिलीग्राम में दिया गया तो किस में चेंज करेंगे ग्राम में। जैसे अगर बात करें तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 kg होता है, आसन मारे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया, तो कितने मोल होंगे एन बराबर क्या होगा वेट अपान मालिकुलर वेट या मोलर मास, वेट कितना दिया गया है 120, यूरिया की बात करें तो यूरिया का मालिकुलर मास कितना होता है, फार्मूला क्या होगा NH2C(ONH2), नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 × 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 2, टोटल आप कैलकुलेट करें कितना आएगा 16, तो मालिकुलर मास या मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होगा 16, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16 डिवाइड बाई 2, तो कितने मोल प्रेजेंट है 2 मोल, आज समझ आ रही, इसको नोट करिए भी आगे चलते हैं। अब बहुत अच्छा है बेटा, यहाँ पे
आपके पेपर लिखा गया है 24 मिलीग्राम ऑफ O3। O3 को आप क्या बोलते हैं? ओजोन। बेटा एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे समझिएगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा गया 24 मिलीग्राम ऑफ ओजोन, 24 मिलीग्राम ऑफ ओजोन। आपको फाइंड क्या करना, मोल। एन बराबर क्या होगा? वेट अपॉन मोलर मास। अब वेट हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? मिलीग्राम में। अब ध्यान से सुनो बेटा, 1 ग्राम इक्वल कितना होता है? 1000 मिलीग्राम होगा। और आपको भी पता बेटा, 1 kg बराबर कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं? अब आपके पेपर में क्या था? 24 मिलीग्राम। तो 24 मिलीग्राम को किसमें चेंज करना है? ग्राम में। आपको पता है, ध्यान से सुनो बेटा, कि 1000 मिलीग्राम इक्वल कितना होता है? 1 ग्राम। ये पता है, इतने मिलीग्राम इक्वल कितना होता है? 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना होगा? 1/1000। तो 24 मिलीग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 24/1000। या आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻³ ग्राम। बेटा नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर समझिएगा। 1 ग्राम इक्वल क्या होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। या आप पढ़ेंगे 1 kg बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे लिखा है 24 मिलीग्राम। तो सबसे पहले 24 मिलीग्राम किसमें चेंज करोगे? ग्राम में। तो यहाँ पे देखिए 1000 मिलीग्राम इक्वल क्या होता है? 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना होगा? इतने ग्राम। पेपर में कितना दिया? 24 मिलीग्राम। तो 24/1000, आप बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना? 24 × 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे W इक्वल कितना लिखेंगे? 24 × 10⁻³ ग्राम हो जाए। और मोलर मास ओजोन का निकालना है, तो ओजोन की बात करें तो इसका कितना होगा? 16 × 3, 3 ऑक्सीजन, कितना आएगा? 48। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 48 पास में। अब इसको डिवाइड करिए बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो 24/48 दिया, क्या आएगा यहाँ पे? 1/2 × 10⁻³। अब समझना, आप बेटा ऊपर नीचे 10 से क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए, एक कैंसिल करें, कितना आएगा? 5। ये आपको ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। आपका कितना आएगा? 5 × 10⁻⁴ मोल। बेटा समझ में आ रहा होगा, है? चलिए अभी एक दो प्रॉब्लम और कराते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और समझिएगा, जैसे आगे पेपर में दिया गया है 18 मिलीग्राम ऑफ यूरिया। आप इसको मोल में बताना है, एन बराबर क्या होगा? मास अपान मोलर मास। मास किस में होगा बेटा? ग्राम में होगा। अब हम बात करते हैं यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2C OH NH2। नाइट्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास 14। हाइड्रोजन का 1 × 2 आ जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 14 + 2 टोटल आपका 16 आएगा। अब सुन रहे हैं, मोलर मास कितना है? 60 आए, ध्यान से, कितना बेटा? 60 आए, 60 है। अब हमें निकालना वेट, लेकिन यहाँ मिलीग्राम दिया गया, तो मिलीग्राम किस में चेंज करते हैं? ग्राम में। आपको पता है कि 1000 मिलीग्राम इक्वल कितना होगा? 1 ग्राम।
एक मिलीग्राम बराबर कितना आ जाएगा, 1/1000। तो 18 बराबर कितना आ जाएगा, 18/1000 × 1। ऊपर चला जाए कितना है बेटा, 18 × 10⁻³ ग्राम। अब सुनना बेटा यहाँ पे, तो जब भी पेपर में मिलीग्राम दिया गया हो, यहाँ से सुनिएगा, जैसे अगर आपके यहाँ 24 मिलीग्राम, तो आप इसको जब भी मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 24 × 10⁻³, क्या लगा देंगे, 10⁻³ लगा देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ग्राम में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1.5 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, आप कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करिए, 1.5 × 10⁻³ लगा दीजिए तुरंत ग्राम में। तो मिलीग्राम को जब भी ग्राम में चेंज करना बेटा, समझना, मिलीग्राम को जब भी ग्राम में चेंज करना, तो क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से। अब समझ, लेकिन जब भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³। अब समझना यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करा दे रहे बेटा, जिससे आप कन्फ्यूज मत होइए। पहले न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 18 × 10⁻³ कितना आया बेटा आपका, 16। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा आपका, मोल। बात समझ में आ रही। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम कैसे चेंज करेंगे, या किलोग्राम को ग्राम में। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको ट्रिक बता रहे हैं, बस वही फॉलो करिए आप। अब समझिएगा, जैसे कि आपके पेपर में दिया गया, ध्यान सुनिएगा, 2.4 किलोग्राम, 2.4 किलोग्राम इसको चेंज करना है ग्राम में। ध्यान से बेटा, जब भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, हमेशा क्या करिए, 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब भी मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना हो, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³। बस यही करिएगा, कुछ भी नहीं करना। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो, तो कितने से मल्टीप्लाई करिए, 10³। और मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³। जैसे यहाँ पे लिखा 2.4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 2.4 × 10³। जैसे अगर आपका 1.9 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1.9 × 10⁻³। अगर आपसे कहा जाए 2.4 किलोग्राम को केजी को ग्राम में चेंज करना है, क्या लिखेंगे, 2.4 × 10³। अगर आपसे कह दिया जाए 1.25 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, 1.25 × 10⁻³। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ थोड़ा क्लियर हो गया होगा, आगे हम एक दो प्रॉब्लम और कराते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए जैसे आपको दिया गया 1.6 kg ऑफ SO2, इसको आपको मोल बताना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालिए, मोलर मास। तो सल्फर कितना होता है बेटा, बताया था 32, ऑक्सीजन का 16 × 2, टोटल कितना है 64। एक केजी है, केजी को किसमें चेंज करेंगे, ग्राम में, क्या हो जाएगा, 1.6 × 10³ ग्राम। आपको मोल निकाला, एन बराबर क्या होगा, W/m। तो W कितना दिया गया है, 1.6 × 10³ कितना है, 64। आ समझ में आ रही है। अब इसको डिवाइड करिए, तो कितना जाएगा, 1/40 × 10³। बेटा इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आपका आएगा बेटा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया,
अब आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपके पेपर में मास दिया रहेगा, मालिकुलर मास या मोलर मास दिया रहेगा, आप मोल निकाल लेंगे। अब यहाँ से एक फार्मूला डिराइव होता है, इसको समझिएगा। यहाँ पे आप फार्मूला एन बराबर क्या है ध्यान से, एन बराबर क्या है डब्ल्यू अपान एम, ध्यान से सुनना। डब्ल्यू क्या है मास, एम मतलब क्या मोलर मास, एन मतलब क्या होता है मोल या वेट, मॉलिक्यूलर मास मोल। अब जब पेपर में डब्ल्यू दिया गया हो एम दिया गया तो आप मोल निकाल लेते हैं। हो सकता है आपके पेपर में एन दिया गया हो और एम दिया गया तो वेट भी निकाल लेंगे। तो मास इक्वल क्या होता है एन इंटू मोलर मास। कभी आपके पेपर में मोल दिया रहेगा, मोलर मास दिया रहेगा तो वेट आप लोग निकाल लेंगे। तो एन बराबर डब्ल्यू अपान एम, इन तीन में से आपके पेपर में कोई दो क्वांटिटी दी रहेगी, एक आपसे पूछ लेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि टू मोल ऑफ अमोनिया, टू मोल ऑफ अमोनिया का वेट बताइए। जैसे आपसे कह दिया जाए टू मोल ऑफ अमोनिया, ध्यान सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। पेपर में दिया टू मोल ऑफ अमोनिया, कितने मोल, दो मोल अमोनिया का मास बताइए या दो मोल ऑफ अमोनिया का वेट बताइए। तो आपको पता है एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान एम। आपसे पूछा गया मास ऑफ अमोनिया या वेट ऑफ अमोनिया, तो W बराबर क्या हो जाएगा M इंटू एम, कितना दिया गया दो मोल, N की वैल्यू कितनी है दो मोल, और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा बताइए 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 टोटल कितना आएगा 17। तो वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 17, कितना आ जाएगा बेटा 34 ग्राम आ जाएगा। मास में आ रहे बेटा, जैसे अगर आपसे कहा जाए, इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए चलिए फाइंड मास ऑफ, याद है फाइंड मास ऑफ, अब एक ही पॉइंट को समझिएगा। आपसे कहा गया थ्री मोल ऑफ यूरिया, इसका हमें मास निकालना है। एन बराबर क्या होगा डब्ल्यू बाई एम, तो डब्ल्यू इक्वल मास पूछा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाए एन इंटू एम। थ्री मोल ऑफ यूरिया तो यहाँ क्या लिखे थ्री इंटू यूरिया, यूरिया का मोलर मास बेटा बता चुके कितना था 16, तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम। याद है अगर आप ध्यान से नोट, एक एक पॉइंट को समझिएगा, थ्री मोल ऑफ यूरिया तो आपका जो वेट है हमेशा किस में लिखें ग्राम में लिखेंगे, कितना है 180 ग्राम, समझ में। अब अगर आपसे पूछा गया ध्यान से नोट कि आज पूछा कि कैलकुलेट द थ्री मोल ऑफ यूरिया इन केजी, यहाँ पर समझ लीजिए इसे न्यूमेरिकल भी करा देंगे, पहले तो आपका 180 ग्राम आ गया। अगर आपसे बेटा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि थ्री मोल ऑफ यूरिया का मास बताना है इन केजी, किसमें बताना है केजी में, अब ध्यान सुनिए आपको कुछ भी नहीं करना, एक कितना है 180 ग्राम। जब ग्राम को ध्यान से सुनना बेटा, एक एक पॉइंट को सुनिएगा, जब ग्राम को केजी में चेंज करना है, एक एक पॉइंट को सुनिएगा। अभी तक मैंने बताया था केजी को किसमें चेंज करना हो ग्राम में, तो आप क्या करते थे 10^3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन जब ग्राम को केजी में चेंज करना हो, ध्यान सुन, किलोग्राम को केजी में जब चेंज करते थे तो क्या करते थे 10^3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन जब ग्राम को केजी में चेंज करना तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10^-3 से। जस्ट बेटा रिवर्स हो जाएगा, केजी को ग्राम में चेंज करते थे तो 10^3 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जब ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई 10^-3 से। अगर आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन केजी,
तो आपका एन बराबर डब्ल्यू बाई एम, तो डब्ल्यू बराबर कितना 180 ग्राम। अगर आपको उसको केजी में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, 180 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केजी। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? है अगर आपको ग्राम में आंसर आ गया, लेकिन अगर आपसे एग्जाम पूछा गया इन केजी, तो आप क्या करेंगे 10 टू पावर माइनस 3 लिख देंगे, आपका ग्राम केजी में चेंज हो जाएगा। चलिए दो तीन मिनट का लॉक कराते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, ध्यान सुनो बेटा, थ्री मोल ऑफ ग्लूकोज, थ्री मोल ऑफ ग्लूकोज, और हमें बेटा इसका बताना है कि मास कितना होगा। तो W बराबर क्या होता है, N इंटू मोलर मास इन ग्राम, ग्राम ही आएगा आपका आंसर। जब कुछ भी नहीं दिया है तो आपका आंसर ग्राम ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, थ्री इंटू ग्लूकोज का बेटा बता चुके हैं कितना होता है 180, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 180, तो आप कितना है 540 ग्राम। अब समझना, एक ग्राम में आ गया, इसको नोट करिए, इसी वे क्लॉक कराते हैं। जैसे अगर आपको लिखा है 20 मोल ऑफ ओजोन इन केजी, यहाँ पे आपको केजी में बताना है, आपको कुछ भी नहीं करना। पहले क्या लिखे, एन बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपान एम, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एम, कितने मोल लिखा है 20 मोल करिए, मोलर मास इसका कितना होगा 16 इंटू फिर कितना आएगा 48, यहाँ क्या करिए 48, आप टोटल कैलकुलेट करिए कितना आएगा 0.96 ग्राम। कितना है बेटा 960 ग्राम आ गया। लेकिन हमें बताना कि इसमें है केजी में, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करिए 960 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केजी। क्लियर बेटा? चलिए इसको नोट करिए। जैसे अगर आपसे पेपर में कहा जाए, एक एक पॉइंट समझिएगा, कहा जाए थ्री मोल ऑफ यूरिया इन मिलीग्राम। अभी की पॉइंट है बेटा, ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करते हैं, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 10 टू पावर माइनस 3 कर देंगे। लेकिन जब ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एक पॉइंट है, ग्राम को केजी में चेंज करना है, ग्राम को केजी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ग्राम को केजी में चेंज कर 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर 3 से। ठीक समझिएगा, लेकिन जब मिलीग्राम को, चलिए थोड़ा बता चुके हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा है थ्री मोल ऑफ यूरिया इन मिलीग्राम, थ्री मोल ऑफ यूरिया इन मिलीग्राम में आपको वेट बताना है, फाइंड आउट द मास ऑफ यूरिया इफ़ गिवन थ्री मोल ऑफ यूरिया इन mg, मिलीग्राम में बताना है। तो पहले आप ग्राम में निकाल लीजिए, n बराबर क्या होगा बेटा, n बराबर आपका क्या होगा, n बराबर आपको wim, तो w आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा n इंटू एम, एन की वैल्यू कितनी दी गई है 3, यूरिया कितना होता है बेटा 60, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60, टोटल कितना आ जाएगा 180 ग्राम। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारा कितना बेटा 180 ग्राम आ गया वेट, या मास कितना आ गया 180। लेकिन हमें किस में निकालना है, मिलीग्राम।
तो ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10^3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 180 × 10^3 मिलीग्राम। बेटा इसको नोट करिए, बेटा समय में आ रहा होगा। एक लास्ट रोल करा देते हैं बेटा, इसके बाद दो आपके बच जाएंगे, वॉल्यूम और पार्टिकल्स, जो कि कल के लेक्चर में बात करेंगे। अगला दिया गया है 5 mole ऑफ CO2 इन kg बताना है। तो n बराबर क्या होगा, W/m। तो W बराबर क्या हो जाएगा, n × m। कितने मोल का आ गया, 5 mole, 5। CO2 कितना हो गया, 12, और इसका कितना हो गया, 16 × 2। टोटल आपका आया बेटा 44। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44। तो आपको हो जाएगा 520, 220 ग्राम आएगा बेटा। कितना आएगा, 220 ग्राम, 220 ग्राम आएगा। इसको केजी में चेंज करना है, तो ग्राम को जब भी केजी में चेंज करेंगे क्या लिखेंगे, 220 × 10^3 kg। अगर बेटा इसी ग्राम को मिलीग्राम के उसके क्या लिखते हैं, 220 × 10^3 मिलीग्राम। बेटा मोल समझ में आ गया, तो मोल का कैलकुलेशन 3 मेथड से किया जाता है। जब मास दिया रहे कैसे निकालेंगे, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा पार्टिकल। तो कल के लेक्चर में हम वॉल्यूम और पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको बेटा समझ में आ गया होगा, तो एक बार अच्छे से इसको पढ़िए, एटम क्या है, मास क्या है, मोलर मास क्या है, सब चीज़ बेटा पढ़ते जाइए। तो बेसिक लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो आपके सिलेबस में काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं, मैंने पहले बता दिया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।